हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पीवीआर स्टडी। चलिए आज हम बात करते हैं फिजिक्स के थर्ड पार्ट का, थर्ड भाग की बात करते हैं। जैसा कि आपको फर्स्ट वीडियो में प्रकाश, लाइट एंड रिफ्लेक्शन, प्रकाश का परिवर्तन के बारे में बताया गया, सेकंड पार्ट में आपको दर्पण से रिलेटेड, दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण के पार्ट, ठीक है, गोली दर्पण और समतल दर्पण के बारे में बताया गया। तो थर्ड वीडियो में आपको इस वीडियो में क्या बताया जाएगा कि जो आपने दर्पण पढ़ा था उससे ही कुछ रिलेटेड बताया जाएगा। जैसा कि दर्पण हमारा टू टाइप्स होता है, एक गोली दर्पण होता है, एक समतल दर्पण होता है। तो आपको गोली दर्पण के बारे में बताया जाएगा इस वीडियो में कि आपको गोली दर्पण क्या है और गोली दर्पण के कितने प्रकार होते हैं और गोली दर्पण से जुड़ी बहुत सारी जानकारियां दी जाएगी। तो जैसा कि गाइस आपको पहले बता दे रहे हैं कि गोली दर्पण क्या होता है। कांच के एक कटे हुए भाग, कांच के एक गोला कटा हुआ भाग जिसकी एक ओर पारे का लेप लगा होता है और दूसरी ओर परावर्तक तल होता है, उसे गोली दर्पण कहते हैं। दूसरी चीज गाइस, गोली दर्पण के टू टाइप्स होते हैं, उत्तल दर्पण होते हैं और एक अवतल दर्पण होते हैं। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण किसे कहते हैं। तो चलिए मैं आपको बता दे रही हूँ कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण किसे कहते हैं। जैसे कि आप एक डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पे गाइस एक अवतल दर्पण है और एक उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में क्या होता है कि जो उसका परावर्तक तल होता है वो बाहर की ओर निकला होता है और जो अवतल, ठीक है, अवतल दर्पण में होता है उसका परावर्तक तल अंदर की ओर धंसा होता है। तो ये डिफरेंट होते हैं हमारे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में। तो चलिए मैं इससे जानकारी आपको, इससे जुड़ी जानकारी आपको दूंगी कि गोली दर्पण के कौन कौन से भाग होते हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं, पहले इस डायग्राम में चलिए आप देखते हैं। सबसे पहले इस डायग्राम में आपको बताया जाएगा वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ध्रुव, मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष, फोकस दूरी, इन सारी परिभाषा के बारे में आपको इस डायग्राम से बताया जाएगा। तो गाइस चलिए इस चीज का ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको बताया जा रहा है वक्रता केंद्र सेंटर हमारा कहाँ पे होता है, चलिए देखते हैं। तो देखिए गाइस, सेंटर मतलब वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, गोली दर्पण, ठीक है, जैसे कि हमारा ये कांच का खोखला है, मैं आपको डायग्राम बना के दिखा दे रही हूँ, ठीक है। इसमें डायग्राम बना हुआ है लेकिन आपको कुछ चीजें समझ में कम आएंगी। देखिए कि जो गोली दर्पण कुछ इस तरीके से बना होता है, जैसे कि डायग्राम हमारा इस तरीके से बना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हम कर दे रहे हैं, एक मिनट रुक जाइए, मैं आपको फिर से बना रही हूँ। ये मैंने लाइन खींच दिया, ठीक है, ये हमारा कटा हुआ टुकड़ा है कांच का। तो गोली दर्पण जिस कांच के खोखले के गोले का कटा हुआ भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। मतलब कि जो हमारा कटा हुआ गोले का भाग है उस कटे हुए भाग के बीच का जो रहेगा, मतलब कि केंद्र होगा, वही हमारा सेंटर कहलाता है। तो यहाँ पे जो हमारा बनेगा वो हमारा क्या होगा, सेंटर होगा, ओके। तो गाइस आपको इस चीज को बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा, यहाँ पे हमारा सेंटर बनेगा। इसकी डिफिनेशन आप किस तरीके से लिखोगे, गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग है या भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे सी से डिनोट किया जाता है। वक्रता केंद्र को सी से डिनोट करते हैं। अब आपको दूसरी चीज बताई जाएगी कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। तो गाइस वक्रता त्रिज्या जो हमारी होती है वो कांच के एक खोखले गोले जिसका दर्पण कटा हुआ होता है, कटा हुआ भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ से जो हमारा, देखिए जो हमारा ये सेंटर बना होगा तो वहां से ये मुख्य अक्ष तक जो होगा वो हमारा त्रिज्या होगा, इसे R से डिनोट किया जाता है, ठीक है। इसकी डिफिनेशन किस तरीके से लिखोगे, कांच के खोखले गोले जिसका दर्पण का कटा हुआ भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे R से डिनोट किया जाता है, ओके गाइस। चलिए आपको नेक्स्ट चीज बताया जा रहा है, ध्रुव क्या होता है गाइस। ध्रुव गोली दर्पण के मध्य, ये हमारा गोली दर्पण है और उसके मध्य मतलब कि पीछे साइड, ठीक है, गोली दर्पण के मध्य, ठीक है, बिंदु को ध्रुव कहते हैं। जो हमारा गोली दर्पण के मध्य, जैसे कि हमारा ये गोला बना हुआ है और इसके मध्य हमारा एक, देखिए ये इसके जो पिछला भाग होगा वही हमारा ध्रुव होगा। तो यहाँ पे जो हमारा बनेगा वो ध्रुव होगा, जिसे आप पोल बोलते हैं और इसको पी से डिनोट करेंगे। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि हमारा जो ध्रुव होगा, ठीक है,
वो पी से डिनोट किया जाता है और ये गोली दर्पण का मध्य बिंदु है। ओके, आपको समझ में आ गया। तीसरी डिफिनेशन, फोर्थ डिफिनेशन आपको बताया जाएगा कि मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं गाइस? दर्पण के ध्रुव, वक्रता केंद्र। अब आपको यहाँ पे देखना है कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र कहाँ पे है। दर्पण के ध्रुव तो गाइस आपको पता ही था कि ये हमारा दर्पण है और उसका ध्रुव हमारा ये भाग में था। तो दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र यहाँ पे था गाइस, सी। ठीक है, वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होगी वही हमारा मुख्य अक्ष होगा। ठीक है, तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। यह हमारा सेंटर है, ठीक है, वक्रता केंद्र, और यह हमारा ध्रुव पोल है। तो इनको मिलाने वाली जो रेखा होगी वो मुख्य अक्ष कहलाएगी। यहाँ से यहाँ तक की जो हमारी रेखा है वो हमारी मुख्य अक्ष रेखा कहलाएगी। नेक्स्ट है हमारा मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या होता है गाइस? मुख्य फोकस किसे कहते हैं? दर्पण के, ठीक है, मुख्य फोकस क्या होगा? दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा ये दर्पण बना हुआ, देख लीजिए ये दर्पण है और उसके मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष हमारा कहाँ पे है गाइस? ये है ना, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो हमारी किरणें हैं, मतलब ठीक है, आने वाली जो किरणें हैं, कौन सी किरणें? जो हमारी किरणें आ रही हैं दर्पण से टकराकर, मतलब कि परावर्तक होकर, पर मुख्य अक्ष मतलब दर्पण के मुख्य अक्ष से आने वाली जो हमारी किरणें हैं, जो किरणें हैं दर्पण में परावर्तक के पश्चात जिस बिंदु पर आकर वो मिलती हैं उस बिंदु को क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस बोलते हैं। तो हमारी ये जो किरणें हैं, फिर से देख लीजिए गाइस कि जो हमारा दर्पण है और वो मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तक, मतलब कि दर्पण परावर्तक से टकरा कर जो हमारी किरणें जहाँ पे मिलती हैं, कुछ इस तरीके से किरणें हमारी एक दूसरे से समांतर रूप में मिलती हैं, वही हमारा क्या होगा? मुख्य फोकस होगा। तो इसकी डिफिनेशन आप इस तरीके से बना सकते हो कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाशित किरणें दर्पण में परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आकर मिलती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं, जिसे आप एफ से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? एफ से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट आपका फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होता है? दर्पण के ध्रुव, ध्रुव आपका कहाँ पे था? ये पोल। दर्पण के ध्रुव और क्या होगा गाइस? दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष तक की दूरी को, दर्पण के ध्रुव से और मुख्य अक्ष तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। मतलब कि ये हमारा क्या है? पोल है। ठीक है, ये हमारा दर्पण है, यहाँ पे हमारा पोल है, यहाँ पे हमारा मुख्य अक्ष है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो हमारी होगी वो फोकस दूरी कहलाएगी। ओके गाइस, क्या कहलाएगी? फोकस दूरी कहलाएगी। नेक्स्ट आपका क्या डिफिनेशन है गाइस? नेक्स्ट डिफिनेशन है आपका फोकस तल। किसे कहते हैं? फोकस तल क्या होता है? दर्पण के मुख्य फोकस के लंबवत, दर्पण के मुख्य फोकस के लंबवत जो होता है उसे फोकस तल कहते हैं। तो दर्पण के जो ये लंबवत है, मतलब कि जो मुख्य फोकस के, ठीक है, मुख्य फोकस के जो लंबवत है ये वाली लाइन, वो हमारा क्या कहलाएगी? फोकस तल कहलाएगी। ठीक है, इसी से हमारा जो प्रकाश होता है वो रिफ्लेक्ट होकर आर पार करता है। ओके गाइस, तो आपको मैंने इस डायग्राम से सारी चीजें बता दी है, जैसा कि आपको गोली दर्पण से जितने भी परिभाषा बन रहे थे। तो मैं आपको डिफिनेशन भी दिखा दे रही हूँ। डिफिनेशन मैंने सारी लिख के बताई है, ठीक है, आपको डिफिनेशन भी बता दिया जाएगा ताकि आपको लिखने में या समझने में आसानी हो। तो देखिए गाइस, जो चीजें मैंने आपको डायग्राम से बनाई है वही चीजें मैं लिख के बता रही हूँ कि गोली दर्पण का ध्रुव और दर्पण वाले भाग का मुख्य बिंदु को ध्रुव कहेंगे, जिसे आप पी से प्रदर्शित कहते हैं। आपको याद होगा गाइस कि ध्रुव हमारा कहाँ पे था? जैसा कि ये हमारा दर्पण था और ये हमारा मुख्य अक्ष मतलब था, ठीक है, अभी आगे बताया था, इसमें आपको पूरा नहीं बता पा रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हमारा दर्पण, ये हमारी ऐसी लाइनिंग थी, ठीक है, जिसे आप मुख्य अक्ष बोले थे। तो गोली दर्पण का ध्रुव और दर्पण वाले भाग मुख्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, ठीक है। तो जो हमारा इधर वाला भाग था उसी को, मतलब कि दर्पण के
मध्य वाला भाग को हम क्या कहते हैं गाइस, ध्रुव कहते हैं। तो आपको वही डेफिनेशन बताई गई है जिसे पी से डिनोट करते हैं। अब वक्रता केंद्र को क्या बताया मैंने, वक्रता केंद्र गोलाकार का कांच के केंद्र को गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे सी से डिनोट करते हैं। ओके गाइस, उसके बाद आपको बताया गया था कि गोली दर्पण का वक्रता त्रिज्या क्या होता है, गोलाकार कांच की त्रिज्या को गोली दर्पण के वक्रता त्रिज्या कहेंगे या वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को, जो दूरी होती है मतलब वक्रता केंद्र की दूरी और ध्रुव की दूरी जो होती है उन दोनों के भी, उसे आप फोकस सॉरी वक्रता त्रिज्या भी कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि गोलाकार कांच की त्रिज्या को गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहेंगे। ओके, दूसरी चीज अब आपको आगे बताया जा रहा है मुख्य फोकस क्या होगा। मुख्य फोकस, जब गोली दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें टकराती हैं और वे क्या करती हैं, परिवर्तित होकर एक बिंदु से होकर जाती हैं, उस बिंदु को गोली दर्पण या मुख्य फोकस कहते हैं। आपको याद होगा कि मैंने आपको डायग्राम में बताया था कि कुछ ऐसे बनी हुई थी, जो हमारी किरणें थी वो टकराएंगी दर्पण से, टकराने के बाद एक साथ सारी किरणें मिल गई, तो जहां पे हमारी किरणें मिली थी वही हमारा फोकस था। ओके, अब बात आती है फोकस दूरी की, कि फोकस दूरी किसे कहते हैं। तो फोकस दूरी किसे कहते हैं गाइस, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को गोली दर्पण की दूरी, ध्रुव और मुख्य फोकस की बीच की दूरी जो होती है इसे क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, जिसे स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। फोकस को एफ से मतलब कैपिटल एफ से, और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। बात आता है फोकस तल की, कि फोकस तल क्या होता है, यह मुख्य अक्ष के लंबवत होता है। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, ये चीजें मैंने आपको आगे बताई थी, ठीक है। तो यह मुख्य अक्ष की जो लंबवत होता है उसी को क्या बोलते हैं, फोकस तल। जैसा कि आपको मैंने बताया था ऐसा बना हुआ था, और ये जो हमारा तल है वो ये हमारा क्या कहलाता है, क्या बोलते हैं, फोकस तल। ओके, देखिए मैंने ये जो आपको बताया था ये उत्तल दर्पण के बारे में था, ठीक है। आपने इसका डायग्राम देखा था ना गाइस, देखिए ये, ठीक है, ये हमारा कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। तो अब आपको अवतल दर्पण के बारे में चलिए बताते हैं, ठीक है, कि अवतल दर्पण क्या होता है। अवतल दर्पण क्या होता है गाइस, सेम प्रोसेस जैसा कि आपने उत्तल दर्पण में पढ़ा था, सेम चीजें अवतल दर्पण में भी होती है। बस यहाँ पे अंतर क्या होता है कि जो डायग्राम हमारा बना होता है वो इधर का होता है और सारा प्रोसेस उत्तल दर्पण का अवतल दर्पण की साइड में होता है, बाकी डिफिनेशन सारी एक ही चीजें रहेंगी, ठीक है। तो चलिए मैं आपको फिर भी बता दे रही हूँ एक बार, चलिए देख लीजिए। जैसा कि आपको इसमें भी वक्रता केंद्र, ठीक है, और वो मुख्य फोकस, फोकस दूरी, फोकस तल के बारे में आपको इसमें बताया जाएगा। तो सो गाइस, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ की जरूरत होगी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लिख के बता सकते हैं। मैंने आपको उत्तल दर्पण के बारे में बहुत ही आसानी से बता दिया, सेम प्रोसेस अवतल दर्पण में होता है, ठीक है। तो आपको इस वीडियो में जो भी आपको पूछना होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, थैंक यू।